अभी तक हमने बात करी मेन एंट्री मुख्य प्रविष्टि की, आइए अब हम बात करते हैं नंबर दो, दैट इज एडेड एंट्री, ए डी डी ई डी एडेड, ई एन टी आर वाई एडेड एंट्री, यानी कि अतिरेक। साथियों महत्वपूर्ण है, अतिरेक प्रविष्टि पे प्रश्न पूछते हैं आपको। अभी तक जो बात समझ में आई कि आज हम पढ़ रहे हैं एएसीआर एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2R सेकंड रिवाइज्ड एडिशन, और इसमें मैंने आपको बताया कुल मिला के चार प्रकार की एंट्रीज तैयार होती है, उसमें से भी पहली एंट्री मेन एंट्री और मेन एंट्री के 8 सेक्शन आपको याद हो गए। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड अतिरिक्त। देखिए साथियों अतिरिक्त प्रविष्टि तब बनेगी जब अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां होगी, तब जाके अतिरिक्त प्रविष्टि बनेगी, और ये अतिरिक्त प्रविष्टियां भी कुल मिला के 5 प्रकार की बन सकती है अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई हो तो। अगर इंफॉर्मेशन कम है तो किसी में 2 बनेगी, किसी में 3 बनेगी, किसी में 5 बनेगी, किसी में कम बनेगी, तो ये बन सकती है। लेकिन अधिकतम जो है AACR या एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स की बात करें तो हम कुल मिला के 5 प्रकार की अतिरिक्त प्रविष्टियां बना सकते हैं। पहला हम बात करते हैं दैट इज ऑथर एडेड एंट्री। कई बार सवाल आया है इसके ऊपर ऑथर एडेड एंट्री। देखिए साथियों यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है वो नियम की बात है, नियम की बात यानी ऑथर एडेड एंट्री। तो आप वैसे तो क्या होगा कि आप जब किसी किताब की एंट्री बनाएंगे आपने मुख्य प्रविष्टि बनाएंगे, एडेड एंट्री बाद में बनेगी, पहले आपकी मुख्य प्रविष्टि बनेगी। तो अगर मान लीजिए किसी पुस्तक के हम ऑथर की बात करें, लेखक की बात करें, और उस पुस्तक का एक ही लेखक है तो ये एंट्री कभी बनेगी ही नहीं, अर्थात एडेड एंट्री नहीं बनेगी। क्यों? कि मेन एक ही ऑथर है और सबके उस ग्रंथ की समस्त जिम्मेदारी उस ऑथर के पास है, तो ऑथर के नाम से आप मेन एंट्री बना लेंगे और काम खत्म हो जाएगा। ऑथर एडेड एंट्री तब प्रारंभ होगी जब आपके किसी पुस्तक के एक से अधिक ऑथर हैं। तो अब एक से अधिक ऑथर है यानी एक से अधिक लेखक है, तो एक से अधिक लेखक की स्थिति में आप क्या करेंगे, तो अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हो सकती है, एक से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। तो आपको सबके अंदर क्या करना है वो आपको इंपॉर्टेंट बात है। आपको यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे तो आपको नियम समझ में आ जाएगा, तो ऑथर एडेड एंट्री के सवाल को आप अच्छी तरीके से कर लेंगे। देखिए साथियों अगर मान लीजिए पहली कंडीशन ये है कि 2 ऑथर है, तो 2 ऑथर में हमें क्या होता है, सबसे पहले यहां पर AACR 2 के अंदर कि हमें ऑथर पहचानना होता है। अगर 2 ऑथर है और 2 लोगों ने मिलकर किसी पुस्तक की रचना की है तो आप क्या करेंगे। देखिए पुस्तक में क्या होता है कि एक ऑथर को कई बार ऐसा होता है कि ज्यादा जो है महत्व दिया गया होता है और एक ऑथर को महत्व कम दिया गया होता है। तो कैसे पता लगाएंगे, अगर दोनों में से किसी एक ऑथर को अगर अधिक महत्व दिया होगा तो उसका नाम आपको बोल्ड अक्षर में नजर आएगा, कैपिटल में नजर आएगा, बड़े फॉन्ट में नजर आएगा, अंडरलाइन कर रखा होगा। सो अगर ये बताता है कि किसी एक ऑथर को अधिक महत्व दिया गया, अगर नाम दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों में कोई अंतर नहीं है, अगर है तो आप क्या करेंगे कि 2 ऑथर में से जिसको अधिक महत्व दिया गया उसके नाम से तो आप बनाएंगे मेन एंट्री, और जिसको कम महत्व दिया गया उसके नाम से आप क्या बनाएंगे, ऑथर एडेड एंट्री बनाएंगे। लेकिन अगर दोनों के ही नाम बराबर हैं और देखने से ये पता नहीं चलता है कि किसको अधिक महत्व दिया गया, तो पहले ऑथर को सेलेक्ट करके आप मेन एंट्री बना लें और दूसरे ऑथर को सेलेक्ट करके आप ऑथर एडेड एंट्री बना लें। ये नियम है। ओके, ये कब होगा, जब आपको 2 ऑथर दिए गए होंगे तो 2 ऑथर में आप इस प्रकार का काम करेंगे। अगर मान लीजिए कोई संकेत नहीं मिलता है तो जो पहला ऑथर लिखा है उस पर काम करेंगे, जो दूसरा ऑथर है आप उस पर ऐसे काम करेंगे। अगर मान लीजिए 3 लेखक हो, 3 नाम लिखें, तो 3 नामों में भी वापस यही बात आती है कि आप उसमें पहचाने के प्रधान लेखक कौन है। अगर 3 नामों में से भी अगर आपको प्रधान लेखक नहीं मिलता है तो जो पहले नंबर पे ऑथर लिखा है उसके नाम से मेन एंट्री बनाएं और बाकी 2 के नाम से जो है आप एडेड एंट्री आप तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें यहां पर नियम है कि दोनों की एडेड एंट्री बन जाएगी तो 3 हो जाएगी। लेकिन अगर ऑथर जो है वो 3 से अधिक हो जाए ना, तो 3 से अधिक हो जाए तो पहले ऑथर के नाम से आप मेन एंट्री बनाएंगे और बाकी अन्य के लिए आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि ऑथर का नाम है फर्स्ट, पहली कंडीशन क्या थी, 2 ऑथर,
तो जो मेन ऑथर है उसके नाम से आप क्या बनाएंगे, मेन एंट्री, और दूसरे के नाम से सेकंड, सेकंड के नाम से क्या बनाएंगे आप, एडिट। ये आपको याद रखना है दो ऑथर में। अगर तीन ऑथर होंगे तो ये सवाल पूछा जाता है कि तीन ऑथर है तो पहले के नाम से तो मेन एंट्री बन जाएगी, मेन एंट्री, और अन्य के नाम से जो बाकी के दो है सेकंड एंड थर्ड के नाम से क्या बनाएंगे आप, एडिट बनाएंगे। इस प्रकार से करेंगे आप। अब बात आती है कि तीन ऑथर हैं, अगर मान लीजिए लेखक तीन हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तीन ऑथर में आप सबसे पहले केवल प्रधान लेखक, या नहीं तो आप पहले ऑथर के नाम से आप मेन एंट्री बनाएंगे और बाद में आप et.al लिखकर अन्य लेखक के नाम से ऐसा एंट्री बनाई जाएगी। फर्स्ट उस कंडीशन में अगर आपके मोर देन थ्री, तो मोर देन अगर थ्री है तो यहां पर नियम चेंज हो जाएंगे, मोर देन थ्री हो जाएंगे तो आपको मेन एंट्री जो है वो किसमें बनानी है, टाइटल में। ये इंपॉर्टेंट है कि मुख्य प्रविष्टि जो है आपकी वो पुस्तक के टाइटल में बनेगी, और उसके अलावा जितने भी ऑथर हैं यानी कि फर्स्ट ऑथर जो है आपका उसके साथ में आप क्या फर्स्ट एंड क्या लिखेंगे आप ब्रैकेट में et.al। फर्स्ट यानी मेन, अगर तीन से ज्यादा लेखक हैं तो अब आप ये मान के चलें कि अब ग्रंथ की पहचान जो है वो ग्रंथ के शीर्षक से है, तो मेन एंट्री आप टाइटल में बनाएंगे और एडिट एंट्री में पहला ऑथर लिखकर आप et.al लिखकर अपने एडिट एंट्री बनाकर इस बात को यहीं पर खत्म करेंगे। सो दैट इज द ऑथर एडिट एंट्री। एक बार फिर से नियम सुन ले, हम बात कर रहे हैं आज मेन एंट्री के बाद एडिट एंट्री की। अतिरिक्त प्रविष्टियां भी पांच प्रकार की बनती है, जिसमें से पहली प्रविष्टि है ऑथर एडिट एंट्री। ऑथर एडिट एंट्री यानी कि ये ऑथर एडिट एंट्री पर विचार तब किया जाएगा जब ऑथर एक से अधिक है। अगर एक ही ऑथर है तो इस एंट्री पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार की एडिट एंट्रीज ऑथर के नाम से नहीं बनेगी। अब अगर मान लीजिए एक से अधिक है तो क्या क्या परिस्थितियां हो सकती है, दो है तो दो में आपको पहचानना है। अगर पहचानने के बाद पहला ऑथर जिसके अंदर मेन एंट्री बनेगी और सेकंड ऑथर में आप एडिट बनाएंगे, अगर तीन ऑथर हैं तो आप प्रथम लेखक में मेन एंट्री और सेकंड और थर्ड की आप एडिट एंट्री बनाएंगे, और तीन से अधिक होने पर मुख्य एंट्री आपकी टाइटल में बनेगी और आप फर्स्ट ऑथर के साथ में एंड et.al लिखकर जो है इस एडिट एंट्री को आप समाप्त करेंगे। तो ये इस पर विचार तभी किया जाएगा जब ऑथर यानी पुस्तक के लेखक जो है वो एक से अधिक है। तो ये समस्या, इसके ऊपर मैंने आपको परिस्थितियां बता दी, इस पर सवाल पूछे थे। नेक्स्ट एडिट एंट्री का सेकंड पार्ट, पांच तरह की एडिट एंट्री बन सकती है। सेकंड है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि विषय, सब्जेक्ट एडिट एंट्री। साथियों सब्जेक्ट एडिट एंट्री आमतौर पर बनाई जाती है पुस्तक की पहचान के लिए, पुस्तक जिस विषय से संबंधित होगी तो उस विषय से संबंधित हमें विषय शीर्षक हमें चाहिए रहते हैं, और उन विषय शीर्षकों के आधार पर जो है हम लोग सब्जेक्ट एडिट एंट्री तैयार करते हैं। सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाने के लिए साथियों, सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाने की जब हम बात करते हैं तो यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि विषय का महत्व है कि कोई भी पुस्तक जो है ग्रंथ है कौन से विषय से संबंधित है। तो विषय से सब्जेक्ट एंट्री बनाने के लिए हमें दो पद्धतियां अपनानी पड़ती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, तो यहां पर दो पद्धतियां हैं सब्जेक्ट एडिट एंट्री बनाने के लिए, जिसमें पहली पद्धति का नाम है इट इज शियर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, और दूसरी पद्धति है आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। ये दो विधियां हैं, पहला शियर्स लिस्ट ऑफ हेडिंग, और दूसरा है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस
सब्जेक्ट हेडिंग। अभी हम विषय वर्गीकरण की बात करेंगे, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट कैटलॉगिंग, तब इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आपको यह मान के चलना है कि अगर आप AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स पद्धति को अपना रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट एडेड एंट्री बनाने के लिए आपको निम्न में से दोनों पद्धतियों में से किसी एक पद्धति को काम में लेना होगा, और इसके इस पद्धति में आप सीएस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग या लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग है, इसके अंदर विषय शीर्षक बने बनाए शीर्षक लिखे हुए हैं, आपको उन शीर्षकों को यूज करके जो है आपको अपनी सब्जेक्ट एंट्री या सब्जेक्ट एडेड एंट्री आपको तैयार करनी होती। तो एंग्लो अमेरिकन में यहां दो है, अगर लाइब्रेरी छोटी है तो आप सीएस लिस्ट काम में लेंगे और लाइब्रेरी बड़ी है तो आप लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। तो ये सब्जेक्ट हेडिंग बनाने के लिए आप इनमें से किसी भी एक पद्धति का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसी क्रम में आइए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 3, दैट इज टाइटल एडेड एंट्री। इट इज टाइटल एडेड एंट्री, टाइटल एडेड एंट्री यानी कि पुस्तक के शीर्षक की बात हो रही है यहां पर। तो हम लोग पुस्तक का आमतौर पर शीर्षक भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई सारे पाठक ऐसे होते हैं जो पुस्तक को उसके शीर्षक से ढूंढते हैं, उनको शीर्षक याद रहता है। सो टाइटल एडेड एंट्री बनानी होती है जिसके अंदर हम लोग पुस्तक का शीर्षक लेते हैं, और तब आमतौर पर यह एंट्री बनती है। जब मेन एंट्री आप ऑथर में बना रहे हैं तो टाइटल एडेड एंट्री बनेगी, लेकिन अगर मैंने इससे पहले आपको एक कंडीशन बताई है कि ऑथर की संख्या ज्यादा होने पर अगर मेन एंट्री ही अगर आपके टाइटल में बन गई तब उस कंडीशन में टाइटल एडेड एंट्री जो है वो नहीं बनती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसी क्रम में नंबर 4, दैट इज सीरीज एडेड एंट्री। सीरीज एडेड एंट्री यानी कि अगर आप जो ग्रंथ है आपका और वो किसी ग्रंथमाला से संबंधित है तो उस ग्रंथमाला का जो विवरण है आप सीरीज एडेड एंट्री बनाएंगे, तो उसमें आपको शीर्षक के रूप में आपको यहां पर ये जानकारी देनी होगी। सो दैट इज द सीरीज एडेड एंट्री बनती है। और नंबर 5, सहकारक यानी कि कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर एडेड एंट्री यानी ग्रंथ के निर्माण में अगर किसी लेखक के अलावा किसी और का भी सहयोग है, जैसे मान लीजिए एडिटर है, इलस्ट्रेटर है, ट्रांसलेटर है, कमेंटेटर है, तो ऐसे जो भी व्यक्ति है जिनकी जानकारी अगर आपको मिली है तो आप उनके नाम से भी जो है आप एंट्री बनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलैबोरेटर एडेड एंट्री बोलते हैं। ये भी एडेड एंट्री का ही प्रकार है। सो बात कर रहे हैं एडेड एंट्री, अतिरिक्त प्रविष्टि, और अतिरिक्त प्रविष्टि जो है कुल मिला के 5 प्रकार की, मैंने आपको बता दिया। 3 तो आपके सामने लिखी हुई, टाइटल, सीरीज, कोलैबोरेटर, और इससे पहले हम 2 बात कर चुके हैं। पहला मैंने बात करी सब्जेक्ट की, और उससे पहले जो मैंने बात करी आपसे दैट इज द ऑथर एडेड एंट्री। तो ये 5 प्रकार की एडेड एंट्री बना सकते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान देनी है कि एडेड एंट्री बनाने के लिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती, आपकी अगर मुख्य प्रविष्टि बन जाए तो मुख्य प्रविष्टि की ही तरह आपकी एडेड एंट्री बनी जाती है, और उस एडेड एंट्री में आपको केवल यहां पर यूनिट कार्ड सिस्टम अपनाना होता है, और इस यूनिट कार्ड सिस्टम के अंतर्गत आपको एक मेन कार्ड आपका जब बन जाता है तो उस कार्ड में आपको केवल हेडिंग में आपको एडेड एंट्री का नाम लिखना है, और आप नीचे लिखेंगे रेस्ट एज मेन एंट्री। आप लिखने से ही जो है आपका काम हो जाएगा, प्रैक्टिकली भी करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं AACR एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2R सेकंड रिवाइज, जिसमें 4 प्रकार की एंट्रीज बन सकती है, बनती है। पहली मेन एंट्री जिसके 8 सेक्शन है, नंबर 2 पे हमने बात करी एडेड एंट्री, एडेड एंट्री के कुल मिला के 5 सेक्शन है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 और 4, 2 एंट्री और बचती है जो भी संभावना के आधार पर बनाई जा सकती है, कोई जरूरी नहीं कि बनेगी, उसी में हम बात करते हैं।